नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है यार आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल पंक पर। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम Q&A वीडियो करने जा रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर। तो आज की इस वीडियो में Q&A तो होगा ही होगा, साथ ही थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। वो डिस्कशन किस बारे में होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है वो। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को। देखते हैं मैंने आज इस वीडियो में किन किन लोगों के क्वेश्चंस लिए हैं और जिनके नहीं ले पाया हूँ उनसे सॉरी करते रहेंगे, क्योंकि नए सेटअप के साथ लाइटिंग वाइटिंग के साथ आपको मैं कुछ अलग नज़र आ रहा होऊंगा आई थिंक मे बी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम की धज्जियाँ उड़ाए, लेट्स बिगिन। तो यार पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है DJ सागर मिक्स जी ने। इनका कहना है कि ब्रो ब्लैक होल खत्म होने के बाद क्या बनता है या बनाता है। तो DJ सागर मिक्स जी, अगर आपने मेरी ये हॉकिंग रेडिएशन वाली वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो मैंने इसमें आपको कहा था कि ब्लैक होल इन द हैंड, अगर हॉकिंग रेडिएशन सही है, अगर इसको सच माने, स्टीफन हॉकिंग की बात को सच माने, जो वाकई में अगर मैं बताऊं तो ये अभी उन्होंने सिर्फ थ्योरीज में ही प्रूव किया है कि हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल इमिट करते हैं, लेकिन इसे अभी एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा गया है। तो अगर फिर भी इसको ठीक माने या माने कि ब्लैक होल रेडिएशन इमिट करते हैं, तो इसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इन द एंड ब्लैक होल खुद को इवेपोरेट कर लेगा और ब्रह्मांड में ही सबसे आखिरी चीज़ होंगे, आखिरी ऑब्जेक्ट होंगे जो खुद को ख़त्म करेंगे इवेपोरेट होकर, डिसअपेयर होकर। आभास मित्रा जी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ट्रू ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, सॉरी। तो जिस तरीके से ब्लैक होल को हमें दिखाया जाता है या समझाया जाता है, ऐसे ब्लैक होल्स काम नहीं करते हैं, ऐसे ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और वो क्या हैं सारी बातें आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो हमने कल परसों बनाई थी तो उसको आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी आपकी क्वेश्चन का आंसर यही है कि ब्लैक होल खुद को डिसअपेयर कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे इन दी एंड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है गुलशन कुमार जी का और ये पूछते हैं कि पंकज भाई, अगर कोई छोटा ब्लैक होल ट्रैवल करते हुए हमारे सौरमंडल में आ जाए तो क्या होगा। तो भाई भाई अगर इस क्वेश्चन का रिप्लाई ना कर पाओ कमेंट बॉक्स में तो Q&A में ले लेना, ठीक है जी। ले लिया आपका क्वेश्चन, नहीं होने वाला है, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। पहली ये कि जिस भी वो ग्रह के करीब से जाएगा उस ग्रह को अपनी ऑर्बिट में बांधता हुआ अपने साथ ले जा सकता है जहाँ भी वो उसका मन हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अगर गुजरता है करीब से हमारे सौरमंडल के तो वो ऑर्बिट्स को गड़बड़ा सकता है, ठीक है, तितर बितर कर सकता है वो ग्रहों को। फिर कोई ग्रह इधर जाएगा, कोई ग्रह उधर जाएगा, कोई ग्रह उसके साथ जाएगा और कोई ग्रह उसके अंदर जाएगा, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटीज यही है कि जिस भी ग्रह के करीब से जाएगा उस ग्रह को ये करेगा जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो हमारी पृथ्वी के साथ होते हुए, अपने अंदर ले जाएगा। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वैसे ऐसा नहीं होने वाला है काफ़ी लंबे टाइम तक भी, दूर दूर तक भी, तो क्यों डरा रहे हो लोगों को, नहीं होने वाला है, सेफ हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है शंकर हनी लसर का और ये पूछते हैं कि सर बिग बैंग थ्योरी इज रिकग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन साइंस बट वी थिंक लॉजिकली, इफ वी थिंक लॉजिकली द बिग बैंग थ्योरी इज फॉल्स थ्योरी बिकॉज हाउ ऑल द मैटर इन, ओके रीड मोर, ठीक है। मैंने इनका कमेंट पढ़ लिया था और ये इनका कहने का ये पर्पस है कि एक प्रिमिटिव एटम जितने जगह से ये इतना ब्रह्मांड कहाँ से आ गया, मतलब ये गैलेक्सीज ट्रिलियंस में जो मौजूद हैं, इतना सारा मैटर जिसमें पर्टिकुलर एक गैलेक्सी में बिलियंस में तारे हैं और उन तारों के इर्द गिर्द मंडराते बिलियंस मिलियंस में ग्रह हैं, इतना मैटर एक प्रिमिटिव एटम जितने बिंदु से कैसे आ गया, पता नहीं पता। ये चीज़ें मेरा भी ऐसे करके सर पकड़ने पर मजबूर कर देती हैं। इवन जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे पता था कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि इसे मैंने पहले भी फेस किया है और सही बताऊँ तो यार मुझे नहीं पता है। और जैसा लोग बताते आ रहे हैं एज अ साइंस यूट्यूबर मुझे आपके सामने ये रखना था और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट लेकर ये रखना था, मतलब बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करके ये रखना था। तो मुझे नहीं पता कि सही बताऊं कि ये कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, बिग बैंग हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें हैं अब एस्ट्रोनॉमर्स ने बताई हैं, लिखी हुई हैं, थ्योरीज हैं, तो यार मुझे आपके सामने वो लानी थी और लेके आया हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिग बैंग थ्योरी को
कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आभास मित्रा जी जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं हमारे भारत के, वो भी इस चीज़ को इंकार करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारे पास अभी नहीं है, और पता नहीं भविष्य में होगा या नहीं, लेकिन अभी तो नहीं है। और अभी अगर आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी से भी पूछोगे ये चीज़ कि कैसे हो सकता है एक बिग बैंग से ये मैटर इतना मैटर कैसे आ सकता है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बन गई, तो इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सटीक जवाब नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है फन ऑन जीके जी की तरफ से, और ये पूछते हैं कि इफ़ यूनिवर्स एक्सपेंड देन व्हाई एंड्रोमेडा विल कोलाइड विद मिल्की वे, दे मेंटेन मोर एंड मोर डिस्टेंस। देखिए, एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में क्यों टकराने आ रही हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर आपने गैलेक्सी क्लस्टर्स का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि गैलेक्सीज क्लस्टर में गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ गुच्छों में बंधी रहती हैं। क्यों बंधी रहती हैं? क्योंकि वहाँ पे उनकी कंबाइंड ग्रेविटी वर्क कर रही होती है। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिवर्स में मौजूद चार फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे कमज़ोर फोर्स माना गया है, लेकिन बड़े स्केल पर देखा जाए तो यस, ये इतना भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो यस, ग्रेविटी इज़ द रीज़न कि एंड्रोमेडा मिल्की वे से टकराने आ रही है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है अवि वचल ने, और ये पूछते हैं कि मेक वीडियो ऑन बीटल जूस। तो यार, इस पर वीडियो हम बना चुके हैं जिस पर हमने बात की थी कि बीटल जूस की तबीयत को क्या हो गया है, अचानक से वो ख़राब क्यों हो गई है, क्यों इसने डिम होना शुरू कर दिया था। खैर, अभी तो खबरें आई हैं कि इसने वापस से अपनी डिम नहीं हो रहा है, अभी इसने अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हो गया था इसकी तबीयत को, इस पर हमने वीडियो में बात की है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए देखिए और पता लगाइए कि क्या हुआ है, और दुआ कीजिए कि ये सुपरनोवा ना हुआ। नहीं हुआ है वैसे, बहुत टाइम है इसमें अभी। तो बात की हमने इसमें प्रॉपर एक वीडियो में, आप वो वीडियो देखिए, ये ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाइए चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है एस के मैदुल जी की तरफ से, और इनकी शिकायत है, शिकायत ये है कि तो फिर पार्कर सोलर प्रोब क्या करने गया है, ये साइंटिस्ट लोगों का बिना काम धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को बेस्ट बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों गया है। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब जो है वो अपने अलग मिशन पर गया है, और उसका अलग मिशन है, और जो सोलर ऑर्बिटर गया है, सॉरी माइक को नहीं हिलाना है, जो सोलर ऑर्बिटर है वो अपने अलग मिशन से गया है। अभी मैं आपको इनके मिशन बता देता हूँ। पार्कर सोलर प्रोब का मिशन क्या है, सूर्य की जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसे हम कोरोना नाम से भी जानते हैं, वो ये पता लगाने गया है कि उसका जो आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना है, उसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से इतना ज़्यादा क्यों है। अनुमान है कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब आउटर कोरोना जो है उसका तापमान है, जबकि हम जानते हैं कि सरफेस का जो सूर्य की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो महज 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा क्यों है, ये काम सोलर पार्कर प्रोब का है, ठीक है। और सोलर ऑर्बिटर जो है उसका काम है सूर्य के पोल्स को एग्जामिन करना, ठीक है, क्यों उसके पोल्स चेंज हो जाते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में वो चेंज होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो उसका काम यह है कि पोल्स को स्टडी करना, जो अब तक नहीं हो पाया है किसी भी मिशन में। सूर्य के पास जो भी मिशन हमने अभी तक भेजे हैं उसमें हम पोल्स को स्टडी करने में नाकाम रहे हैं, तो वो इसी पर्पज़ से गया है। तो इन दोनों के जो काम है वो डिफरेंट है, ठीक है, फिर हिल रहा है। आई होप आपके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अभिषेक श्रीवास्तवा जी का, और ये पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये चाहते हैं ग्रहों को देखना, तारों को देखना, तो इन्होंने हमसे सिफारिश की है कि हम इनके लिए एक पर्सनल टेलीस्कोप की खोज करें, या फिर इनको खोज कर बताएं कि कौन सा सही रहेगा। तो ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको अगर ख़रीदना है, आपको भी ग्रह तारे नक्षत्र देखने की शौक़ है, तो आप उस लिंक पर जाइए, परचेज़ कीजिए वहाँ से। मैं भी एक लेने की सोच रहा हूँ, ताकि जो ग्रहण प्रहण होते हैं इनको देख सकूँ, ज़रा एहसास तो करें कि कैसे दिखाई देते हैं ये प्लैनेट्स। वीडियोज़ बना बना के इनको देखने की बड़ी इच्छा होती है, तो यस, मैं भी ख़रीदूँगा, आप भी खरीदिए उस लिंक पर जाकर, इससे थोड़ी चैनल को हेल्प हो जाएगी यार, है ना, समझ सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार जो अगली कमेंट है ना वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये की है गौरव गुप्ता जी ने। और ये स्पेशल क्यों है, इसके साइड में आप एक सिंबल देख रहे होंगे ग्रीन कलर का, तो यही इस कमेंट को खास बनाता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गौरव गुप्ता जी, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। ये ज्वाइनिंग को बताता है, दर्शाता है। क्वेश्चन इनका ये था, क्वेश्चन तो नहीं था ये, एक्चुअली इन्होंने अपना कह सकते हैं सजेशन दिया है कि ये तारा मरने वाला है। बीटल जूस की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये तारा नहीं मरेगा, अभी टाइम है इसके पास, 100,000 साल अभी और हैं अगर एस्ट्रोनॉमर्स की माने। लेकिन चलिए डिस्कशन करते हैं इस बात को लेकर, जिसकी बात हमने शुरू में भी की थी। तो चैनल को यार मिल चुका है ज्वाइन बटन, ठीक है। इसके थ्रू आप कर क्या सकते हो कि आप हमें मंथली सपोर्ट कर सकते हैं छोटी सी राशि देकर। मैंने तीन प्लान्स, इसमें तीन पर्क्स रखे हुए हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। यस, तो सिल्वर में आपको क्या मिलने वाला है, एक शाउट आउट मिलने वाला है मेरी हर महीने की किसी भी वीडियो में, तो मैं इनको दे देता हूँ। इनको मैं दे चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर एक बार और, क्योंकि ये पहले सदस्य हैं हमारे गौरव गुप्ता जी। तो थैंक यू सो मच यार, और इनको मैंने स्पेशली कमेंट भी किया है इनके लिए। तो थैंक यू सो मच यार गौरव गुप्ता आपका, कि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया यार। और आप भी अगर करना चाहते हैं, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। तीन पर्क्स रखे हुए हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। सिल्वर में आपको मैं किसी भी वीडियो में हर महीने की शाउट आउट दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल रखते हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको इससे हेल्प हो सकती है। दूसरा है गोल्ड प्लान, जिसमें शाउट आउट तो मैं दूंगा ही किसी भी वीडियो में, साथ के साथ आपको अर्ली वीडियोस का एक्सेस भी दूंगा। मतलब जो वीडियो कल पब्लिश होने वाली है उसका एक्सेस मैं अपने मेंबर्स को 2 दिन पहले प्रोवाइड करा दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करूंगा। और जो डायमंड है यार, उसमें ये दोनों चीज़ें तो होंगी, साथ के साथ आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऑफिशियल मेंबर्स को। तो इनके जो प्राइस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सिल्वर वाला जो है वो अराउंड 59K समथिंग है, 59 देते हैं अगर आप मंथली सपोर्ट करते हैं हमें, तो उसमें आप शाउट आउट ले सकते हैं। मैं आपको शाउट आउट दूंगा, डेफिनेटली दूंगा यार, कुछ एक्स्ट्रा भी ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और गोल्ड में भी यही सब है, उसका प्लान जो हमने रखा है वो 159 का आई थिंक, हाँ वो चेक कर लेना आप। और जो लास्ट है डायमंड, वो थोड़ा कॉस्टली है, और मैं उसको नहीं कहूँगा आप लोगों की करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो थैंक यू सो मच यार, नहीं तो आप सिल्वर या फिर गोल्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कहानी है, डिस्कशन ये था कि ज्वाइन बटन मिल चुका है, तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव गुप्ता एक बार फिर से, एंड अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यार अगली जो कमेंट है वो है विश्वजीत पुले, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हुई हो। तो कमेंट इन्होंने ये किया है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर पर वीडियो चाहते हैं, जिसमें मीटियोर शावर कब होती है, किस दिन होती है, मतलब पूरा ये जो 2020 है इसमें क्या क्या इवेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाले हैं, ये इन पर वीडियो चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया है, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और शायद ये आपको बहुत जल्दी मिलेगी चैनल पर। तो थैंक यू सो मच विश्वजीत ही है ना, हाँ जी विश्वजीत, थैंक यू सो मच, आपने एक अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है, तो इस पर वीडियो ज़रूर आएगा, थैंक यू। हाँ जी, तो अगली जो कमेंट है वो है DS नेगी जी की तरफ से, और ये पूछते हैं, एक्चुअली बताया इन्होंने, सजेशन दिए क्या है कि मुझे तो लग रहा है कि कुछ सालों में ये सुपरनोवा हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा, जिससे अर्थ को भी नुकसान हो सकता है, पर अब डर नहीं लग रहा। अजी डर क्यों लगेगा, डर नहीं लगना चाहिए आपको, ये बार बार माइक हिल रहा है, तो डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ढोंढ लगना भी नहीं चाहिए भाई, 600 से 700 लाइट ईयर्स दूर है ये तारा। किसकी बात हो रही है, बीटलजूस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बीटलजूस जो तारा है वो काफ़ी दूर है हमसे, इतनी दूरी से अगर वो सुपरनोवा होता भी है तो पृथ्वी पर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर कोई तारा जो है वो 20 से 30 प्रकाश वर्ष के दायरे में हो हमारे, तो फिर वो थोड़ा खतरा है, ठीक है। वो कर क्या सकता है, वो ओजोन लेयर को हमारी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और फिर बाकी का काम सूर्य की हानिकारक किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज जिन्हें हम कहते हैं, वो कर देंगी, ठीक है। तो खुश किस्मत, हाँ जी खुश किस्मत है आप, जो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। तो यार आखिरी कमेंट लेते हैं, और आखिरी कमेंट जो है वो भारत ठाकुर जी की तरफ से, और ये बोलते हैं, ये एक्चुअली उन्होंने प्यार दिखाया, और इतना प्यार दिखाया है कि मज़ा आ गया देख के, कि भाई लव यू यार, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं आपकी वीडियोज़ ना देखूँ, अपडेट्स ना भी आएँ,
तो पुराने वीडियोस देख के सो जाता हूँ। भाई मार्स के ऊपर एक नई वीडियो लेके आई है। अरे भाई क्या लिख दिया यार तूने, थैंक यू सो मच। मतलब यार इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मतलब दिल से बहुत दिल को छू गया था मेरा ये कमेंट जब मैंने आपका ये पढ़ा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मिनट पहले तो, और ये मैंने पढ़ते ही क्लिक कर दिया था। मैंने कहा इसको मेंशन ज़रूर करना है, और आप लोगों के ऐसे कमेंट्स देखकर ही ना यार मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबको थैंक यू सो मच जो आप इतना सपोर्ट दिखाते हैं मेरे वीडियोस को, दिखाते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। मतलब मैं आपको एक दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए आप कि इसमें 72% के करीब 70% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो करो ना यार, अगर आपको इतना पसंद है, अरे यार ये माइक बड़ा हिल रहा है, तो अगर आप इतना पसंद करते हैं वीडियोस को तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वीडियोस की शुरुआत में सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है और आपका वीडियो का मज़ा जो है मैं वो ख़राब नहीं करना चाहता हूँ लिटरली। तो इस चीज़ को मैं आगे लास्ट में बोलता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक कोई देखता भी होगा, इतनी आखिरी तक कोई नहीं देखता है। तो बस मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूँ, तो आप लोग भी हमारा ध्यान रखें। ध्यान रखो कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, एक यूट्यूबर के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप उस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें जिससे भी आप प्यार करते हैं, एक यूट्यूबर आपसे यही चाहता है। तो होप सो आप करेंगे आगे से सब्सक्राइब, अगर आपने किया हुआ है तो कर दीजिए, और अगर आप अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो कर दो यार सब्सक्राइब। बस यही चाहता हूँ, और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे आने वाले वीडियोस को भी लाइक करते रहो, ऐसी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर और हैप्पी होली।